हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं, टॉपिक वाइज आप तो जानते ही हैं, और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक टॉपिक आपकी आरआरबी एनटीपीसी में दिया हुआ है, इसका पार्ट वन हम ले आए थे, पार्ट टू बाकी था। तो दोस्तों, आज हम पार्ट टू कवर कर लेंगे, तो जिससे ये हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर से हम अपना जो है आगे की ओर चल पड़ेंगे जो बाकी बचे टॉपिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जो इसमें हमें पढ़ना है, गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, जो पार्ट टू में हमको स्टडी करना है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सीबीएसई, एनआईयूएस, यूजीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, एनआईए, सीबीआई, एनसीबी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आरजीसीआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया सीईए, एनटीपीसी, आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, बीएचईएल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रोपावर कॉरपोरेशन, पीजीसीआईएल, ऑल इंडिया लिमिटेड, लिस्ट ऑफ पीएसयूज और सिक्योरिटी फोर्सेज। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होता है जो करंट में आपने कहीं ना कहीं सुना हो, ठीक है, या फिर जो डेली यूज में आप देखते हो परंतु आप नजरअंदाज करते हो। आप रोज तेल भराते हो ना, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप जाते हो, आईओसीएल के पेट्रोल पंप जाते हो, तेल भराते हो, लेकिन इसी बारे में पूछ लेगा कि ये आईओसीएल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड फाउंडेड जब बना था ये 1775 में, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में। इसके जो डीजी इस समय है डायरेक्टर जनरल वो है सौरभ कुमार। ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखें, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुरानी जो है बोर्ड है ये, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है रन किया जा रहा है। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस या फोर्स बिहाइंड द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया। इसको जो हमारा जो देश की सुरक्षा है ना, डिफेंस, उसका चौथा हाथ कहते हैं, है ना, इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे डिफेंस में तीन हाथ हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और जो चौथा हाथ है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बोला जाता है। इस वजह से, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है वो आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को जो छोटे हथियार वगैरह है, बहुत पुराने समय से जो छोटे हथियार होते हैं, गन्स होती हैं, पिस्टल्स होती हैं, टैंक्स होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें, वो सब कौन प्रोवाइड कराता है? वो सब प्रोवाइड कराता है बना के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ये। ओके फ्रेंड्स, वर्क, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स ऑफ आर्म फोर्सेज, जितने भी हथियार वगैरह होते हैं वो सब आर्मी को कौन बनाता हुआ देता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब आता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में दोस्तों, जब हमने पढ़ाया था फ्लोरा एंड फौना जो लक्ष्य था, आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये इसका फॉर्मेशन हुआ था जून 1981 में। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, जो मैं मिनिस्ट्री बता रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिपार्टमेंट जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है। इन इट्स रिपोर्ट इन 1976, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया कैसे, 1976 में एक नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया था, उसी ने रिकमेंड की थी, उसी ने जो है रिकमेंडेशन दिया था कि एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेसेस फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एवरी 2 ईयर्स। तो हर 2 साल में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये हर 2 साल में जो हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है उसका ये आकलन कर रहा है। तो 2017 में रिपोर्ट आई थी, 2015 में रिपोर्ट आई थी, अब 2019 में रिपोर्ट आएगी 2019 में। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज अ स्टैचुअरी अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट आया था 1963 में, उसी के अंतर्गत ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बनाया गया था। क्योंकि देखिए, मैं आपको पिछले समय बताया था कि स्टैचुअरी ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्या अंतर होता है। देखिए, जो हमारे बॉडी संविधान के आर्टिकल में लिखी हुई है ना, उससे अगर कोई बॉडी बनती है, जैसे यूपीएससी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और स्टैचुअरी अथॉरिटी उसे बोलते हैं जो हमारे पार्लियामेंट द्वारा किसी एक अधिनियम, किसी एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, उस बॉडी को हम लोग कहते हैं स्टैचुअरी अथॉरिटी।
Earlier, Central Board of Excise and Customs was also under CBDT and afterwards bifurcated on 1/1/1964. Actually, जो Central Board of Excise and Customs था वो भी CBDT के अंतर ही आता था, दोनों एक साथ थे, लेकिन बाद में 1 जनवरी 1964 को इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सिक्स मेंबर्स. इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा. चेयरमैन जो अभी सॉरी जो चेयरमैन इसके हैं वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है वो सीबीडीटी के अंदर के अंतर ही आता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, और ये जो इनकम टैक्स जो लिया जाता है वो किस एक्ट के जरिए लिया जाता है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961. देखिए दोस्तों, टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट देखिए ध्यान रखिएगा, टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट, ये सब फैक्ट्स हम आपको बीच लक्ष्य में बताते रहता हूँ, आपको नॉलेज ही बढ़ेगी. और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्स डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डायरेक्ट पब्लिक से लिया जाता है, डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेबल होता है. जैसे कि इनकम टैक्स, हम लोग इनकम टैक्स देते हैं ना, तो डायरेक्ट वो किसको देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं. तो वो क्योंकि उसमें बीच में कोई पार्टी नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स, सिंपल लैंग्वेज में समझिए. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचना है परंतु किसी के थ्रू पहुंचना है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पार्टी होता है, फला फला करके वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचता है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. जैसे जो आपका जीएसटी है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो आपका इनकम टैक्स वगैरह है वो क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स है. ओके फ्रेंड्स, अब आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सीजीएसटी डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1855 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये डिपार्टमेंट बनाया गया था 1855 में. इट इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, नारकोटिक्स इन इंडिया. बेसिकली जो कस्टम लिया जाता था, जो बाहर सामान आता है उस पर ड्यूटी होती है, सेंट्रल एक्साइज वगैरह, सर्विस टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं इंडिया में, नारकोटिक्स. लेकिन अब तो यह सिंगल जीएसटी हो गया है, तो इन सबको जो लेने का काम है वो किसका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड सिक्स मेंबर, जैसे कि इनकम टैक्स में होता है, सीबीडीटी में होता है, एक चेयरमैन और 6 मेंबर इसमें भी होते हैं. इसके जो चेयरमैन अभी हैं प्रणब कुमार दास हैं, और जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट आता है दोस्तों वो इसी के अंतर्गत आता है, सीजीएसटी डिपार्टमेंट. ओके फ्रेंड्स, सीजीएसटी क्या है, सीजीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के बारे में बहुत सुना हुआ, चलिए आज पढ़ भी लेते हैं. इसका जो बना था ये 3 नवंबर 1962 को बना था. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. इट इज़ अ नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, जितने भी मतलब कि नेशनल लेवल नेशनल बोर्ड है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, और फर्स्ट एजुकेशन बोर्ड था वो यूपी बोर्ड है. देखिए सबसे पहला जो एजुकेशन बोर्ड था वो यूपी बोर्ड था दोस्तों, 1921 से बना था, ध्यान रखिएगा. सीबीएसई हैज़ आस्क्ड ऑल स्कूल्स अफिलिएटेड टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी करिकुलम. एक्चुअली क्या है, सीबीएसई ने जानते ही हैं, सीबीएसई अपने सारे स्कूल्स को क्या कहता है कि वो एनसीईआरटी फॉलो करें, और एनसीईआरटी फॉलो करने की वजह से एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी किताब होती है दोस्तों. उसमें शुरू से हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी, क्या करते हैं जो स्कूल की जो किताबें होती हैं वो धीरे धीरे बच्चों का लेवल बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते इतनी अच्छी तरीके से वो इंटर कर ले जाते हैं. उनका एक पूरा मतलब स्ट्रेटजी होती है, बहुत अच्छे लोग किताबों बनाते हैं. तो और देखा हुआ जो जितने भी अच्छे आगे के एग्जाम्स होते हैं वो सीबीएसई के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं इसी वजह से. ठीक है, तो उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है. चेयरमैन जो है उसके अनिता करवाल हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, देखिए ये भी एक NIOS से आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ आपने, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. फॉर्मेशन 1979 में हुआ था. ये भी एक एजुकेशन बोर्ड है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है. हेडक्वार्टर इसका दोस्तों नोएडा है. चेयरमैन जो है इसके वो प्रोफेसर CB शर्मा है. और इट हैड अ करिकुलम इनरोलमेंट ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स फ्रॉम 2004 to 2009 एट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल्स, एंड इनरोल्स अबाउट 350,000 स्टूडेंट्स एनुअली, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड. एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, ये ओपन स्कूलिंग में बेसिकली लोग स्कूल जाते हैं, बस अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं. तो देखिए आप गौर करेंगे, 350,000 स्टूडेंट्स हर साल इसमें जुड़ते हैं. ठीक है, और 2004 से लेकर 2009 तक के बीच में 1.5 मिलियन लोग इससे जुड़ गए. तो इसीलिए ये जो है सबसे बड़ा जो है ओपन स्कूलिंग सिस्टम वर्ल्ड में है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1956 में हुआ था. ये भी एक स्टेचरी बॉडी है दोस्तों, क्योंकि ये एक एक्ट से बना है, यूजीसी एक्ट 1956. ये जो आता है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है.
एंड इट इज चार्ज विद कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड वगैरह है वो कौन मेंटेन करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती है। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, ये यूनिवर्सिटी को जो मान्यता देती है वो भी यही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन जो है इसके वो डी पी सिंह है। ओके फ्रेंड्स, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जब आपको वो पढ़ा रहा था फ्लोरा एंड फौना, तो इसमें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आया था। इसका जो फॉर्मेशन हुआ बना कब था, 2005 में दोस्तों। इट वॉज फाउंड बाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एमेंडेड इन 2006। एक्चुअली 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ये बनाया गया था, सॉरी 2006 एक्चुअली 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ था, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 आया था उसका एक संशोधन हुआ था 2006 में, उसी संशोधन के तहत जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर प्लान टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड टाइगर्स। एक्चुअली जो प्रोजेक्ट टाइगर प्लान आया था 1973 में, है ना, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्लान आया था, तो उसी को बचाने के तहत एक बॉडी बनाई गई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में, ताकि उसको ही आगे बढ़ा सके जो नेशनल टाइगर प्लान है हमारा। ठीक है, ये जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, चेयरमैन जो होते हैं उसको मिनिस्टर ही होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बेसिकली इसी के रिकमेंडेशन पे जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को टाइगर रिजर्व बना सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था, ये भी एक स्टेचुरी बॉडी है अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एक्चुअली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था 1990 में, उसी के तहत ये बॉडी बनाई गई थी। चेयरमैन जो है इसके इस समय रेखा शर्मा है, और जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो जयता पटनायक थी, ध्यान रखिएगा। इट इज कंसर्न विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। तो ये क्या करता है, जो हमारी सरकार है उसको ये जो है एडवाइस देता है, जितनी भी वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, लेडीज से रिलेटेड, तो उसको सारी एडवाइस गवर्नमेंट को देता है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों पोखरण पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें कैसे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला काम करता है, रॉ वाला काम नहीं करता। एक्चुअली रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या फर्क है, बहुत ही सिंपल फर्क है, अभी बताऊंगा आपको। देखिए फॉर्मेशन इसका 1887 में हुआ था। इट इज इंडियाज इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो भारत की जो अंदर की जो इंटेलिजेंसी करती है ना वो आईबी करती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और डायरेक्टर इसके राजीव जैन है। ओके फ्रेंड्स, खुफिया विभाग बोलते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए रॉ का फॉर्मेशन हुआ था 1968 में। इट इज़ अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी। लोग रॉ और आईबी जानते तो है, लेकिन ये चीज़ नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉ जो है वो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईबी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है। दोनों में फ़र्क क्या है कि आईबी जो है वो देश के अंदर काम करती है, रॉ देश के बाहर काम करती है, और जो आईबी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है ना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और लेकिन जो रॉ होती है वो होती है डायरेक्ट पीएम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चीफ जो है इसके अनिल धस्माना है। एनआईए दोस्तों देखिए क्या था, ये भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। फॉर्मेशन इसका 2009 में हुआ था। इट इज सेंट्रल एजेंसी एस्टेब्लिश बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट टेरर इन इंडिया। ऐसे सपोज कोई बदकिस्मती से कोई टेरर अटैक हुआ था, जैसे कि पोखरण में हो गया, अरे सॉरी पुलवामा में जब अटैक हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि जो टेरर अटैक हो गया तो अब उसकी जांच कौन करना है, तो एनआईए करता है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को टेरर अटैक होने के बाद जो करता है वो एनआईए करता है। ये भी एक स्टेचुरी बॉडी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट आया था 2008 में, उसी के तहत ये बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर इसके वाईसी मोदी हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए दोस्तों फॉर्मेशन इसका 1941 में हुआ था, एज एस्टेब्लिशमेंट के तहत हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये इस डिपार्टमेंट को, द डिपार्टमेंट वॉज ट्रांसफर टू द होम डिपार्टमेंट बाई 1946 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एक्चुअली 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया। इस एक्ट के तहत जो ये सीबीआई है इसको होम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई फॉर्म्ड इन 1963 अंडर होम मिनिस्ट्री। एक्चुअली जब देश आज़ाद होने के बाद ये होम मिनिस्ट्री में इसको लिया गया सीबीआई को। एक्चुअल में जो सीबीआई नाम दिया गया वो 1963 में दिया गया, पहले ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था। हेडक्वार्टर उसका न्यू दिल्ली है। इट इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। देखिए एनआईए भी इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन है। एनआईए कोई टेरर वगैरह हो जाए तो उसको जाँच करने में काम आएगी, और सीबीआई जो है नॉर्मल जो है कोई पब्लिक सेक्टर कोई भी केस होता है सीबीआई के हाथों, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। एनआईए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता होता है जो सीबीआई होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टर इसके ऋषि कुमार शुक्ला है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका फॉर्मेशन दोस्तों 17 मार्च 1986 को हुआ था। इट वॉज फॉर्म अंडर द नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये भी एक स्टेचरी बॉडी हुई, ये इस एक्ट के तहत बनाया गया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस। जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है ना दोस्तों, उसके तहत ये जो है, ताकि उसको रोकथाम हो सके, उसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया था। दोस्तों जो पिक्चर आई थी, कौन सी पिक्चर थी पंजाब में जिसमें ड्रग्स के बारे में था, याद नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों, उड़ान। तो देखिए उसमें कैसा होता है, ड्रग की ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो वो उसी को कंट्रोल करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, डायरेक्टर इसके इस समय अब हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग काफ़ी जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा जब बाहर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के जस्ट बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा होता है, उसमें वो कहा होता है कि ये क्या है, उसके बारे में लिखा होता है। और एक आपसे प्रार्थना ज़रूर होती है उसमें कि आप प्लीज़ इसको कंजर्व करिए, कुछ राइट मत करिए, तो वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। तो इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉर्मेशन इसका 1861 में हुआ था, अलेक्जेंडर कोनिंघम के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। एक्चुअली क्या है, जो हमारे देश का जितना भी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी है ना, उसको कंजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। डीजी जो है दोस्तों इसके समय उषा शर्मा है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो हमारे पॉपुलेशन की जनगणना होती है ना, जो हमारी जनगणना होती है, जो भाषाई के लिंग्विस्टिक जनगणना होती है, जो भाषा के रूप में जनगणना होती है, वो सब कौन करता है, यही करता है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत लोगों को पता होता है। फॉर्मेशन इसका दोस्तों 1961 में हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए। ये जो है ना सेंसस ऑफ इंडिया और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जितने भी डेमोग्राफिक सर्वे होता है, डेमोग्राफी मतलब हमारा जो पॉपुलेशन संबंधित जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, वो कौन करता है, रजिस्ट्रार सेंट्रल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करता है। दोस्तों कुछ फैक्ट है, देखिए फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1870। इंडिया का सबसे पहला सेंसस जनगणना हुई थी वो 1870 ब्रिटिश के समय हुई थी। द फर्स्ट ऑफ द डेसिनियल सेंसस टू प्लेस इन 1881। और जो आज जो जनगणना होती है हर 10 साल में होती है, तो 10 साल में जनगणना जो हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1881 में, लेकिन जो पहली जनगणना थी वो 1870 में हुई थी। जो इसमें कमिश्नर दोस्तों वो विवेक जोशी हैं। सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्मेशन इसका 1767 कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखा, ये देखिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लगता नहीं नाम से, लेकिन ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द सर्वे ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल एजेंसी इन चार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग। तो जो इंडिया की सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है, जो कि मैपिंग या सर्वेइंग करती है, किसी चीज़ की मैपिंग करना हो, जैसे कि एक्चुअली कई चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जब वो ऐसा ना, वो हर जगह जाके वो फॉरेस्ट देखता है, वैसे ही सेटेलाइट से मैपिंग होती है पूरी, तो उस समय काम आता है सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके हेड है वो गिरीश कुमार है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये दोनों चीज़, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर सर्वे की बात करें तो 1851 में ये भी फॉर्म हुआ था। ये सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के बाद जो सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर्वे की बात करें, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर दोस्तों उसका न्यू दिल्ली में है। डीजी जो है डॉक्टर दिनेश गुप्ता हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टेचरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, सप्लाई एक्ट 1948 के अंतर्गत बनाया गया था, जो बाद में अब हो गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। CEA एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स एंड फॉर्मुलेट्स प्लान फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। बेसिकली CEA का काम क्या है, ये जो सरकार होती है उसको सलाह देता है कि हमारे देश का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए फॉर बेटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हेडक्वार्टर दोस्तों उसका न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन इसका 1951 में हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों होता है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, बेसिकली पोसोको होता है, ध्यान रख बता दें क्यों बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पोसोको एक PSU है, जो कि पावर सिस्टम ऑपरेशन, इसका नाम है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, है ना, पोसोको, पावर सिस्टम लिख लीजिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन। तो जो पोसोको है, इसका काम, पोसोको के अंदर कई होते हैं दोस्तों, नेशनल लेवल पे होता है NLDC, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ये लिखा हुआ ना, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। इनका काम क्या होता है, ये देश में जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना,
वो सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत दोस्तों हम लोगों को तो सप्लाई बहुत बिजली बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो बैठ के जो है चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं कि सप्लाई आपको बड़ी आसानी से मिलती है, उसमें कई पैरामीटर होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, पूरे दुनिया पूरे इंडिया भर का एक होना चाहिए, कैसे कहाँ पर लोडिंग हो रही है तार पे, कहाँ चीज़ें एक जगह बैठकर चीज़ों को कंट्रोल करना ताकि पूरा हमारा ग्रिड मेंटेन रहे, तो वो पोसोको करता है। पोसोको नेशनल लेवल पे है, उसी के साथ कोऑर्डिनेशन में हर स्टेट्स होते हैं जहाँ पे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है, तो उन सब सब पूरा इंडिया की मेहनत से जो बिजली के इंजीनियर्स हैं उनकी मेहनत से आपको जो है आर्म्स को आराम से सप्लाई मिलती है, वो पोसोको और स्टेट के जो लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं उनकी वजह से होता है। सोचिए तो जनरेशन कहीं और हो रहा है, बिजली बंद कहीं और है, आपको मिल कहीं और हो रही होती है, इसका मतलब बिजली वहाँ पहुँच रही होती है, उसको सही तरीके से पहुँचाना दोस्तों, ट्रैफिक पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं ताकि रोड पर ट्रैफिक सही चल सके। तो आपने कभी गौर नहीं होगा कि तारों पर भी तो होते हैं, अब भाई बिजली बन कहीं और रही है, आप मिल कहीं और रही है, तो कैसे चीज़ें पहुंच रही हैं बड़ी सिस्टम से, तो वो सब काम जो है हमारे ग्रिड को सेफ एंड सिक्योर ऑपरेशन हो उसके लिए सब काम पोसोको करता है। ठीक है, चेयरमैन जो है वो CEA के, वो PS मास्के हैं। NTPC देखिए फॉर्मेशन 1975 में हुआ था, ये सेंट्रल PSU है। देखिए PSU के बारे में बताएंगे दोस्तों, PSU के बारे में बताने से पहले जान ले PSU इंडिया की जो PSU है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है महारत्न, एक होती है नवरत्न और एक होती है मिनी रत्न। तीन कैटेगरीज होती हैं, नवरत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम हर कंपनी से पढ़ेंगे बताएंगे कौन कौन सी महारत्न है, और महारत्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछेगा, जब पूछेगा कौन से इसे महारत्न है कौन नहीं है, नवरत्न में कुछ आदि इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फॉर्मेशन 1975 में हुआ था, ये एक सेंट्रल PSU है। ये क्या है, इसका काम क्या है, एंगेज इन बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे देश में जो बिजली पैदा होती है कोले से, थर्मल से, वो NTPC काम है। ये एक महारत्न कंपनी है, फॉर्मड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। जितनी भी कंपनियां होती हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत बनी होती हैं, और इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। IOCL देखिए फॉर्मेशन 1964 में हुआ था, चेयरमैन इसमें संजीव सिंह है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी एक महारत्न कंपनी है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इन मई 2018 IOCL बिकम्स इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेट ओन कंपनी फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉलोड बाई ONGC। तो मई 2018 में IOCL जो है इंडिया की सबसे सरकारी में देखा जाए सबसे प्रॉफिट वाली कंपनी बन चुकी है ONGC, उसके बाद कौन आता है ONGC, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कौन है IOCL। अब आता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन 14 अगस्त 1956 को हुआ था, हेडक्वार्टर दोस्तों इसका देहरादून है, ये भी एक महारत्न कंपनी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है, इसके चेयरमैन शशि शंकर हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो एक्चुअली जो हमारा तेल जो नेचुरल गैस जो मिलता है हमारे देश में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में आपको कि मुंबई के पास ही मुंबई हाई है, वहाँ पे आपको नेचुरल गैस वगैरह मिलता है, तो वहाँ से जो नेचुरल गैस वगैरह निकाला जाता है ना चीज़ों को, वो सब काम कौन करता है, ONGC करता है। आप कभी मुंबई गए होंगे, दूर से देखेंगे मुंबई से है ना मरीना बीच, क्या नाम है उसका यार, जुहू बीच वगैरह, कभी दूर से देखिए तो वहाँ पर ऐसे देखिएगा आपको, वो बेसिकली ONGC है। ओके, केल इंडिया लिमिटेड फॉर्म हुआ था अगस्त 1984 में, लार्जेस्ट स्टेट ओन गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडिया में है। बेसिकली जो नेचुरल गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है ना वो कौन करता है, गेल। आपने वो सबसे बड़ी पाइपलाइन पड़ी हुई ना हजीरा वाली, वो सब कौन बनाया है, गेल ने बनाया है। ये भी महारत्न कंपनी है, चेयरमैन इसके PC त्रिपाठी हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ध्यान रखिएगा फॉर्मेशन 1964 में हुआ था, BHEL इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। देखिए दोस्तों जो हमारे देश में जो बिजली बनती है ना, तो बिजली पावर हाउस में जो छोटे जो मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, वो सब कौन बनाता है, BHEL बनाती है। ये भी महारत्न कंपनी है, हेडक्वार्टर दोस्तों इसका न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन इसके अतुल सोबती हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइज के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। और BHEL और गेल दोनों को महारत्न मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2013 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल फॉर्मेशन का 19 जनवरी 1954 को हुआ था, चेयरमैन श्री अनिल चौधरी इस समय। सेल इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल जो है इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टील प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, सेल। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी महारत्न कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट उसने देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी कभी पूछ लिया जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है सबसे पहला स्टील प्लांट है, उड़ीसा में था, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है, ये सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये वेस्ट बंगाल में है, ये ब्रिटिश की हेल्प से बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में, ये सोवियत यूनियन की हेल्प से बनाया गया था। इसको स्टील प्लांट ये बर्नपुर में वेस्ट बंगाल में है। और एक है विश्वेश्वरिया आयरन स्टील लिमिटेड, ये भी बंदरावत कर्नाटका में। एक्चुअली क्या था विश्वेश्वरिया में, पहले ये मैसूर आयरन वर्क्स था, ये बना था 18 जनवरी 1923 को, बाद में 1989 में सेल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम कर दिया विश्वेश्वरिया आयरन स्टील लिमिटेड। सलेम स्टील प्लांट ये तमिलनाडु में है। सेल का सबसे पहला स्टील प्लांट कौन सा आप कहेंगे, राउरकेला, सेल का, ठीक है। वैसे तो पहला स्टील प्लांट देखा जाए तो कोई और है, लेकिन राउरकेला जो है सेल का सबसे पहला है। कोल इंडिया लिमिटेड देखिए फॉर्मेशन 1975 में हुआ था, हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला कौन प्रोड्यूस करता है, कोल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक भारत कंपनी है, सीएमडी इसके रोहित यादव हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेडक्वार्टर मुंबई में, ये भी एक भारत कंपनी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेचुरल गैस के नाम आता है, ध्यान रखिए सीएमडी डी राजकुमार है। 2017 में भारत पेट्रोलियम को रिसीव्ड महारत्न स्टेटस, इसको भी महारत्न बना दिया गया। दोस्तों महारत्न में बताऊंगा महारत्न 8 है, आप जितने में पढ़ाया आपने कौर किया, ये 8 है महारत्न। क्वेश्चन पूछ लेंगे कितने हैं भारत अभी तक, 8 भारत कंपनियां हैं, उसमें सभी की लिस्ट अभी दिखा देंगे, रिविजन करा देंगे, आप परेशान ना होइए। एनएचपीसी एक मिनी रत्न कंपनी है, बताते नवरत्न महारत्न मिनी रत्न, तो मिनी रत्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मेशन 1975 में होता है, हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, सीएमडी इसके बलराज जोशी हैं। देखिए डायरेक्टर वगैरह इंपॉर्टेंट कुछ और के हैं, आप ये ध्यान रखिए किस क्या काम है, मिनी रत्न है कि नवरत्न है, कंपनी बता रहा हूँ की, और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ध्यान रखें तीन चीज, क्या क्या काम है कि मिनी रत्न है कि नवरत्न महारत्न है और कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिए ये चीज। तो ये जानते हैं ना दोस्तों, जो एनएचपीसी जो हमारे बिजली बनती है ना पानी से, डैम वगैरह देखा होगा तो वो कौन बनाता है, वो एनएचपीसी बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मिनी रत्न है ये और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देखिए फाउंडेड हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में, हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इट मैन्युफैक्चर्स ट्रांसमिशन फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंडिया। दोस्तों आपने कभी ट्रेन या बस पे सफर किया होगा ना, तो इसमें देखो बड़े बड़े खंभे बिजली के होते हैं, तार जा रहे होते हैं, वो सब क्या, वो सब तार क्या है पैसे कि बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि प्रोड्यूस का जनरेशन कहीं और हो रहा है, आपको मिलने कहीं और, तो बीच में कहीं जानी चाहिए ना, तो जाने के लिए वो लंबे लंबे तार लगे होते हैं, वो सब कौन बनाता है, PGCIL। पोसको मैदान है, पोसको मेंटेन सेफ एंड सिक्योर ग्रिड ऑफ इंडिया, ये एक नॉर्थ कंपनी है, PGCIL ध्यान रखिएगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड देखिए फॉर्मेशन 18 फरवरी 1959 को हुआ था, ये भी एक नॉर्थ कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, हेडक्वार्टर इसका आसाम है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि आसाम में तेल की है ना डिगबोई वगैरह जो है तेल के फील्ड से ना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिगबोई वगैरह बहुत पुरानी फील्ड्स हैं। ये दोस्तों मैं कुछ दिखा दिया हूँ आपको, इंपॉर्टेंट लिस्ट निकाल दिया हूँ। तो देखिए भारत में कितनी हो गई, भारत है अभी कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, इंडियन ऑयल, NTPC, ऑयल इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी, और यहाँ जो एक लिखा है ना BPCL बाद बन गया था, तो BPCL भी हो गया, तो कुल मिला के 8 हो गई हैं हमारी भारत में। नवरत्न में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, देखिए बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। बेल का काम यह है जितने भी डिफेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं ना वो कौन बनाता है, बेल। रेलवे की केवल एक PSU, रेलवे की PSU पिछले वर्ष बता चुका हूँ, उसमें एक रेलवे की केवल एक PSU है जिसका नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये केवल एक रेलवे की PSU जो नवरत्न कैटेगरी में आती है, बाकी सब रेलवे की PSU मिनी रत्न में है, लेकिन ये एक PSU है जो कि नवरत्न में आती है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड देखिए ये भी ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आता है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये भी आता है, ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं HAL, HAL का काम क्या है, जो हेलीकॉप्टर वगैरह बनते हैं, जो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना वो हर जगह बनाती है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है। MTNL देखिए दोस्तों कम्युनिकेशन की दो होती हैं, एक आपने पढ़ा हुआ MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और एक होता है BSNL, है ना, तो BSNL जो होता है वो मिनी रत्न है और MTNL जो है वो नवरत्न है, ये अंतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड देखिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और जो MTNL और BSNL है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर देखिए मैं बच्चे को यहाँ लिख दिया हूँ, NMDC लिमिटेड जो होता है इसका नाम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, ये सब नवरत्न है। नवरत्न कितनी है देखिए, नवरत्न कितनी है यहाँ पास 17 है, 17 नहीं इकट्ठा दीजिए 16 है, मिनी रत्न कितनी हैं 16 हैं और महारत्न कितनी हैं 8 हैं, बाकी सॉरी मिनी रत्न कह रहा हूँ, नवरत्न
नौ रत्न जो है वो 16 हैं और महारत्न कितने हैं 8 हैं, बाकी बचे हुए मिनी रत्न हैं। देखिए न्योली इग्नाइट लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है, और एक है इंपॉर्टेंट मिनी रत्न है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि आप आजकल सफर करते होंगे तो एयरपोर्ट वगैरह जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। अब आता है दोस्तों सिक्योरिटी फोर्स, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज दो कैटेगरी में डिवाइड होती है हमारे, एक डिफेंस फोर्सेज एक होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, को कॉमन भाषा में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। देखिए डिफेंस फोर्सेज जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। डिफेंस फोर्सेज में चार हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होते हैं उसमें देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आसाम राइफल्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन सशस्त्र सीमा बल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसमें सबसे जो पुरानी है वो असम राइफल्स है, वो इंडो म्यांमार बॉर्डर पे लगी होती है, इंडो तिब्बतन जानते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे है। एनएसजी जो होती है, जैसे देश में कोई इंटरनल मतलब आतंकवादी अंदर घुसा है तो अब जो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो एनएसजी करेंगे, आपने देखा हो बम्बई में एनएसजी कमांडोज थे। और सशस्त्र सीमा बल जो होता है बॉर्डर पे जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, जो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है, स्मगलिंग वगैरह होती है, उसको कंट्रोल करता है सशस्त्र सीमा बल। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट टू था। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम आपके सारे लेक्चर कंप्लीट करवा देंगे टॉपिक, आप प्लीज़ परेशान ना हो, आपका सारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।